अस्सलाम वालेकुम, सिक्स क्लास और यू बच्चों, आज हम लोगों ने साइंस का क्वेश्चन नंबर 21 लॉन्ग करना है। डिस्क्राइब अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, इस पर नोट लिखना है। पहले हम लोगों ने ह्यूमन आई से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, आज हम लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है। इसका आंसर स्टार्ट यहाँ से होगा कि द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बाल। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 लॉन्ग स्टार्ट होके इसके ये जो सारे पार्ट हैं पेज नंबर 18 पे, यहाँ तक ये होगा क्वेश्चन नंबर 20 लॉन्ग, इसका आंसर है। ठीक है, ये हमने मैंने पहले भी आप लोग को पढ़ाया है। देखिए, कह रहे हैं कि द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बाल, आई बाल पर ह्यूमन आई मुश्तमिल होती है। द आई इज़ कवर्ड विद आई लिड, आई लिड ऑन द आई लिड्स कीप अवे डस्ट पार्टिकल्स अंडर द अपर एयर और ग्लैंड्स ओपन। कह रहे हैं कि हमारी आईज़ के ऊपर जो आई लिड होते हैं वो जो डस्ट के ज़रात हैं उनको हमारी आँख के अंदर जाने से रोकते हैं, और उसके ऊपर जो टीयर ग्लैंड्स है वो ओपन होते हैं। मेन पार्ट ऑफ अवर आई और कॉर्निया, आयरिस, पिपल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व मेन पार्ट हैं ये सारे। पिक में भी देखें, लेंस है ये, पिपल, कॉर्निया, आयरिस, कॉर्निया, ये वाला जो आई बाल है हमारा उसके बिल्कुल साथ वाला पार्ट आयरिस, रेटिना और ये एंड पे ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती है वो वाली नर्व। आगे हम लोग इसके पार्ट्स को फर्दर डिफाइन करेंगे। कॉर्निया क्या है? इन द फ्रंट ऑफ द आई द प्रेजेंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। जो आई के बिल्कुल सामने वाला पार्ट है मौजूद होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। जो रोशनी की शुआएं हैं वो कॉर्निया के थ्रू आँख में दाहल होती हैं। ठीक है, इसके बाद है आयरिस। कॉर्निया द आई ऑफ द आई इज कॉल्ड आयरिस। कॉर्निया द कलर्ड पोर्शन, जो कलर वाला पोर्शन होता है जिसे आई बाल हम लोग कहते हैं वो आयरिस कहलाता है। हैव एन ऑब्जर्व ब्राउन ब्लू, कह रहे हैं कि जो हमारे लेंस है जिसे हम लोग लेंस भी कहते हैं ब्राउन ग्रीन, उसके बाद जो हेजल ब्राउन है ब्लू कलर का, ये लोगों में जो होता है ये सारा क्या है इसे आयरिस कहते हैं। देयर इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ द आयरिस नोन एज पीपल। इसके मिडल में एक सुराख होता है आयरिस के जिसे पीपल कहते हैं। इसके बाद है लेंस। लेंस क्या है? बिहाइंड द पीपल, पीपल के पीछे एक लेंस होता है, ए फ्लेक्सीबल लेंस होता है, प्रेजेंट मौजूद होता है। द लेंस हेल्प द आइज टू फोकस लाइट। ये लेंस क्या करता है? आइज को फोकस करता है लाइट के पॉइंट पे, जो लाइट है हमारी आइज में एंटर होती है उसके पॉइंट पे ये फोकस करता है। रेटिना क्या है? द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बाल इज कॉल्ड रेटिना। कह रहा है कि आंख का जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पोर्शन है, हसास हिस्सा है, वो रेटिना कहलाता है। आई लेंस फ्रॉम द इमेज ऑन द रेटिना। आई लेंस पर इमेज जो बनता है वो रेटिना पर बनता है, और ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है हमारी आई का, जो आई बाल है वो होता है सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बाल कहलाता है रेटिना। ठीक है, देन है ऑप्टिक नर्व। व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना इट्स सेल मेक नर्व सिग्नल, द सिग्नल पास अलॉन्ग द ऑप्टिक नर्व द टू द ब्रेन। कह रहे हैं कि जब लाइट हिट करती है रेटिना को तो सेल, जो नर्व सेल है वो सिग्नल पास करते हैं आगे से एक ब्रेन को। किस नर्व के थ्रू? ऑप्टिक नर्व है उसके थ्रू आगे से सिग्नल ब्रेन को पास करते हैं, और ये सारा फंक्शन आई का बना हुआ है जैसे हमने पहले भी किया। ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन सारा करना है। होमवर्क में भी आप लोगों ने डायग्राम बना के, ये आई के डायग्राम बना के ये क्वेश्चन लिखना है, इसे याद भी करना है। ठीक है,